ललन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले स्वाद बिहार का को पावर्ड बाय आईटेल इन एसोसिएशन विद चाणक्य बिहार टूरिज्म एंड सुधा। सनराइज मसाले में है स्वाद बिहार का। ये बताइए, ये आपकी महानता किससे सुना रहे? इनके गुस्से के किस्से बड़े मशहूर हैं। बोले सुनो, एगो इनकम टैक्स में लड़की है, हम चाहते हैं कि तुम पापा मम्मी से मिलवाओ, मतलब बकायदा कुछ बड़े पोस्ट पे थी, नाम नहीं लेंगे हम लोग, हमको नाम भी नहीं याद है। हाँ, तो हम कहे कब मिलना है? 14 तारीख को खाना पर बुलाए हैं। हम जैसे लोगों को 14 क्या 18 क्या, सुबह नींद ठीक से खुल जाए तो वाह वाह, नहीं तो सब 14 ही है। हमने गलती से 14 तारीख को, एक हमारे मित्र हैं अनुपम श्याम जो अब नहीं रहे, सज्जन कुमार करके बनते थे वो, उनको अपने यहाँ खाने पे गलती से बुला लिया और हम बिल्कुल भूल गए कि विनीत के यहाँ भी जाना है। अच्छा, अनुपम श्याम विनीत के भी अच्छे दोस्त, होता है कभी कभी। और मेरे घर में नया नया रिकॉर्ड प्लेयर आया था, रिकॉर्ड प्लेयर, रामायण सुन रहे हैं सब हाथ में, वाह ये जो वर्णन की है तुलसीदास ने, ये जो वर्णन किया है तुलसीदास ने, ये जो वर्णन किया। उसी में बीच बीच में विनीत का फोन, कहाँ पहुँचे, कहे क्या हुआ? अरे पगला, 14 तारीख है, वो आ गई है घर में। कौन? अच्छा, आज 14 तारीख है। हम बस 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 बस, ये जो वर्णन किया है तुलसीदास ने, ये जो वर्णन किया है तुलसीदास ने, आप जैसे जैसे बड़ दादा भावुक हो रहे थे, कुछ नई नई चीज़ें पता चलने लगी। अच्छा क्या लिखा है ये शब्द जो, हेलो कहाँ पहुँचे? तो ले दे के हम 1.5 घंटा लेट थे। अब शादी ब्याह का मामला है ना, लड़की चाय बनाए बैठल है, आइए नहीं रहा है वो। खैर, हम कहे अनुपम भाई आओ चलते हैं विनीत भाई के यहाँ। अब लड़की वाला मामला है तो बड़े भाई आप भी देख ही लो, तब पापा जी को दिखाएंगे। फिर चलते चलते अब लड़की वाला मामला है तो एक ठो इनके घर का, शान बिल्डिंग होती थी तुम्हारी यारी रोड में, इनके घर के लिफ्ट के नीचे कोई गुलदस्ता रखा था, नहीं रख देते घर में, 2 दिन रख के बाहर रख दो ले जाएगा। हम लोग गुलदस्ता खरीदने वाले कभी पार्टी नहीं है, समझे? तो 2-4 को फूल हटा करके फ्रेश हो गया गुलदस्ता, तो वो गुलदस्ता और नया चप्पल खरीदे थे। नया चप्पल बड़ा दिक्कत होता है पहनने में, उसकी आदत नहीं रहती है ना। अरे नया चप्पल बाद में याद आएगा। खोल खाल करके हम बेल बजाए, बढ़िया कपड़ा पहने तो रुक जाओ कपड़ा बदल लेते हैं, लड़की वाला मामला है, अभी जो भविष्य तय होगा आगे तक चलेगा। कमरा खोले हैं, विनीत भाई खाना बना रहे थे अंदर किचन में, और पूरा इनका जो है बाहर वाला रूम भरा हुआ था ड्रामा स्कूल के कुछ लोगों से, वो मैडम की कुछ दोस्त सब कुछ। विनीत हम आ गए, हाँ। आगे के शब्द मैं बोल नहीं सकता, निकल। हम गए, क्या क्या हुआ, क्या हुआ भाई? निकलो अभी। हम कहा बाब लड़की देखने, क्या हुआ विनीत? गए अंदर, हम कह रहे ऐसे मत चिल्लाओ, अनुपम श्याम भी हैं, निकालो उसको भी। अरे तेरी, बड़े बेआबरू हो करके हम बाहर आए और फिर चप्पलें पहनने में दिक्कत। हाँ, एक मिनट, दरअसल आप लोगों को लगेगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन अब आप सोचिए कि 3 आदमी में से 2 आदमी नशे में टुन्न है, मैं ठीक था, और वो मेरे घर में आके उनके सामने घूम रहा ऐसे ऐसे करके, महादेव महादेव। अब आप सोचिए कि मैंने इनको अकेले बुलाया था, ये 2 नशेड़ी को लेके आए थे, तो मैं क्या छोड़ दूंगा? अरे दोस्त थे,
दोस्त, अच्छा ऐसे वाले दोस्त सौरभ, एक तो मेरे माता पिताजी, शादी कर लो शादी कर लो, तो हम भी अनुपम भाई बोलो, ये वो महिला हैं जिनसे हम ऐसे वाले भाई थे, समझे अनुपम श्याम, बहुत प्यारे इंसान थे, उस दिन नशे में थे। यार सौरभ तू भी कुछ पूछ ना यार, वंस मोर बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छा जा रहा है, बड़ी मेहनत और आशीर्वाद के बाद कोई बुजुर्ग माथे पर चूमता है। तो इतने प्यारे थे वो, मेरी किसी भी फ्रेंड को देख के जो वो आलाप भरते थे, आहा He is my younger brother. फिर उठते थे। He is my younger brother. तो वैसे थे वो, उस दिन थोड़े नशे में थे, तो चप्पल पहनते, मैंने सबको कहा है सुन लो, वो मेरा दोस्त है, वो मुझे कुछ भी बोल सकता है, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा कहीं चौराहे पर, रैट रैट ना कीजिएगा। बड़ी प्यारी चीज होती है जिंदगी में दोस्ती, बहुत प्यारी चीज होती है। बड़े फिल्टर्ड होते हुए दोस्त होते हैं, जो पांचवा क्लास में था आज शायद नहीं हो आपके साथ, हो भी सकता है, लेकिन आपके प्रकृति, हम दो बिल्कुल अलग प्रकृति के लोग हैं, हम दो देखो ना, ये मुझसे एक साल बड़े हैं, कितने साल आप बड़े हैं, 9 साल, माइक पर बोलो, हम इनसे 9 साल बड़े हैं, और बाल काला नहीं करवाते, और अपन पैदा ही हुए थे तो नर्स ने कहा मुबारक हो अंकल जी हुए हैं। मेरी मम्मी के गोद में देते हुए बाल, बाल बाल कलर करता ही नहीं है। हाँ तो इनको एक्सरसाइज कैसे करवाएं? अब आप एक और सुन लीजिए, बताइए। हम लोगों के मित्र हैं तरुण शुक्ला और दीपराज राणा। एक दिन दीपराज राणा ने कहा कि आजकल मिश्रा जी जो है सुबह तरुण शुक्ला के साथ गार्डन में वॉक करने जा रहे हैं। हम कही तो बड़ी अच्छी बात है, मिश्रा को जो है हेल्थ का ख्याल आ गया, बड़ा अच्छा है। तो जब ये हम बोल रहे थे तो तरुण शुक्ला मुस्कुरा दिए, हमको लगा इसके पीछे कुछ है। फिर तरुण शुक्ला को हम अकेले पकड़े, हमने कहा क्या चल रहा है? बोले कि कोई ज्योतिषी देख के बोले है कि एक और शादी है आपका। किसका? हम कहे तो, बोले वहाँ एक जाते हैं तो एक महिला जो है वो उनसे दोस्ती हो गई है, तो रोज उसके चक्कर में ये वहाँ चक्कर लगा रहे हैं। मौसी थी मेरी, दूर से ही हाल चाल पूछते थे। देखिए यही होता है दोस्त, दोस्ती एकदम घुस घुस के की। वॉक कैसे करने लगा हूँ, तो कोई थी वहाँ, बारे बाप